प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज के लेक्चर में मैं आपके दिमाग का दही करने वाला हूं। तो अगर आपको दही पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, आज आपको मजा आएगा। लेकिन अगर आपको दही पसंद नहीं है तो आज आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ग्राफ का क्रिटिकल एनालिसिस हम देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स। और पिछले लेक्चर में बहुत ही अजीब अजीब वैरायटीज हमने देखी ग्राफ की। मैथमेटिकली ग्राफ्स को बारीकी से एनालाइज किया। और ये जो लेक्चर्स हम ले रहे हैं ये अभी बहुत ही खतरनाक लेक्चर्स हैं, कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस आज हम लेते हैं। ये सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो सवाल आपको दिख रहा है, सवाल में ये बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया गया है और हमें उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहचानना है कि इनमें से कौन सा उसका सही वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। तो ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स है ना, और हमको क्या पता लगाना है? सही वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इनमें से करेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा होगा वो हमें पता लगाना है। पहले आप बताइए इसमें से कौन सा होगा, 1 2 3 4 कौन सा सही होगा बोलिए। तो बिल्कुल सही, लास्ट लेक्चर में मैं बता भी चुका हूं आपको ये चीज, ये वो ग्राफ है, ये सही ग्राफ है। क्यों? क्योंकि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, मान लो यू, तो प्लस यू है ना, मतलब इनिशियली उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक, यानी इट इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होना चाहिए। तो अब देखो ये तो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, तो अब एक ही साथ ना इस तरह से नहीं हो सकता वो कि स्लोप पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, ऐसा एक साथ नहीं हो सकता, एक बार में एक ही स्लोप होगा। देखिए यहाँ पे इस ग्राफ के हिसाब से तो एक टाइम पे ही दो वेलोसिटीज हो जा रही है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ये तो इम्पॉसिबल ग्राफ है, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ भी देखिए डिस्टेंस एक टाइम पे दो वेलोसिटीज हो जा रही है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो ये भी ग्राफ फिजिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब कॉम्पिटिशन है इन दोनों ग्राफ्स में, तो आइए देखते हैं। तो यहां भी इट इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, टी जीरो पे कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, यहां भी इट इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ऊपर थ्रो किया है तो थ्रू आउट एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव है ना, और एंड कॉन्स्टेंट, तो यानी थ्रू आउट स्लोप क्या होना चाहिए? नेगेटिव एंड कॉन्स्टेंट। तो क्या इसका स्लोप थ्रू आउट नेगेटिव एंड कांस्टेंट है? नहीं, पहले इसका स्लोप नेगेटिव है, फिर बाद में इसका स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, स्लोप बदल गया, मतलब एक्सेलरेशन का साइन बदल गया। पर यहां क्या, बॉडी ऊपर जाएगी तो भी स्मॉल जी नीचे ही होगा, बॉडी नीचे आएगी तो भी स्मॉल जी नीचे ही होगा, इसलिए थ्रू आउट स्लोप नेगेटिव होगा। तो देखो ये वाला पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट है क्योंकि यहां पे वेलोसिटी क्या हो जा रही है? जीरो हो जा रही है, और फिर वो वापस उतनी ही वेलोसिटी हासिल कर लेगा जितनी वेलोसिटी से वो चला था। मान लो ये +20 से चला था मीटर पर सेकेंड, तो ये वापस ना -20 मीटर पर सेकेंड उसने हासिल कर लिया एट पॉइंट सी, ठीक है। तो सही ग्राफ कौन सा है? ये सही ग्राफ, वेलोसिटी टाइम बोला तो ये सही ग्राफ, लेकिन अगर स्पीड टाइम ग्राफ बोला तो तब कौन सही होता? तब ये सही होता डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लो तो स्पीड मिल जाएगी, यानी स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव है ना, ये तो हमको याद है, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। और यहां क्या हो रहा है, ग्राफ नेगेटिव में चला जा रहा है क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ नेगेटिव में नहीं जाएगा कभी भी। तो स्पीड टाइम ग्राफ सही कौन सा है? ये वाला। तो क्या करना होता है, मिरर रख दो डिस्टेंस, मिरर यहां पे अगर हम मिरर रख देंगे तो ये जो लाइन है इसका इमेज ऊपर चला जाएगा, यानी इसका इमेज पलट के यहां बन जाएगा इस तरह से। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा पे उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा और ये बन गया हमारा स्पीड टाइम ग्राफ, यानी ये ग्राफ, ठीक है। तो आप देखिए इसको एनालाइज करें आप, कि अगर हम स्पीड के टर्म्स में देखते हैं, ये बॉडी ऊपर गई टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? स्पीड के टर्म्स में अगर बात करें तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड पॉजिटिव हो गई, ठीक है, और फिर स्पीड बढ़ने लगा, स्पीड बढ़ते बढ़ते वापस से यू हो गया, साइन नहीं लिख रहा मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो पहले जितना मैग्नीट्यूड था बाद में भी उतना ही मैग्नीट्यूड आ गया, तो पहले मैग्नीट्यूड घटते घटते जीरो हुआ, फिर मैग्नीट्यूड वापस बढ़ा और वापस से मैग्नीट्यूड उतना ही हो गया। तो अगर मान लो ये +20 था तो ये फिर से +20 हो गया, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं,
तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ और ये मैं लिखूँ +20 मीटर पर सेकेंड, तो +20 से शुरू हुआ था, घटते घटते वेलोसिटी क्या हो गई, इन स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई, और फिर स्पीड बढ़ना शुरू हुआ और वापस क्या हो गया, +20 हो गया, ए से बी, बी से सी, तो ये स्पीड हो गया मामला। स्पीड घट के 0 हुआ, फिर वापस बढ़ के मैग्नीट्यूड उतना ही हो गया, तो मैग्नीट्यूड घट के 0 हुआ, फिर मैग्नीट्यूड बढ़ के वापस से उतना ही हो गया। जिस रेट से मैग्नीट्यूड घटा था उसी रेट से मैग्नीट्यूड बढ़ा और वापस उसी वैल्यू तक पहुंच गया। समझ आ रही है प्यारे बच्चों आपको बात? हाँ, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत क्रिटिकल बात मैं आपको बता दूं। देखो, आप चाहो तो लेक्चर को पॉज करके इन बातों को नोट बोल के लिख भी सकते हैं। यहां मैंने लिखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसके लिए ये ग्राफ बनाओ और फिर लिखो द करेस्पॉन्डिंग स्पीड टाइम ग्राफ और फिर ये डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ये दोनों आप नोट बोल के लिखो, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्रिटिकल पॉइंट, वो ये है कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को भी कंसिडर कर लें तब वीटी ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा नहीं होगा, उसको भी हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। एम्स में ऐसा एक सवाल आया था जिसमें एयर रेजिस्टेंस को भी शामिल कर लिया था और बोला था कि अगर एयर रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड हम कर लें तो फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे। तो ये जो भी ग्राफ्स आप देख रहे हैं, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो चाहे स्पीड टाइम ग्राफ हो, ये बिना एयर रेजिस्टेंस के कंसिडरेशन के है। अगर कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट मान लेना है कि वहां एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि कंसिडर एयर रेजिस्टेंस ऑल्सो, तब फिर आपको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि अगर एयर रेजिस्टेंस भी आ गया तो फिर वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी भी हम चर्चा करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था तो ऊपर जाते समय भी एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन स्मॉल जी ही था नीचे की ओर, और नीचे आते समय भी एक्सेलरेशन स्मॉल जी ही था नीचे की ओर। लेकिन तो मतलब ऊपर और नीचे, ऊपर जाते समय और नीचे आते समय स्लोप सेम था, यहां से यहां का स्लोप और यहां से यहां का स्लोप सेम है, कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट, क्योंकि एक्सेलरेशन भी कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट, ठीक, कॉन्स्टेंट एंड नेगेटिव। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस भी आ जाए तो उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। तो सपोज ये स्टूडेंट्स कोई बॉडी है और ये ऊपर जा रही है, तो जब ये बॉडी ऊपर जा रही है तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर है मान लो, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या क्या होगा, एक स्मॉल जी नीचे, और क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है तो एयर रेजिस्टेंस भी नीचे, ठीक है। तो कुछ मैं वैल्यूज असाइन कर देता हूँ, मैं काम करता हूँ, स्मॉल जी को मैं लिख रहा हूँ 10, और जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ मान लो 2, तो ये 10 + 2 = 12, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड हो गया 12 m/s², साइन के साथ लिखोगे तो -12 m/s², ठीक है। तो इसको मैं A1 बोल देता हूँ, -12 m/s², तो ये कहां से कहां तक क्लियर होगा, ए से बी तक, यानी बॉटम पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक ये रिटार्डेशन होगा, ठीक है। और जब बॉडी ऊपर से नीचे आना शुरू होगी तब क्या होगा, तो वो वाली कंडीशन मैं इधर दिखा रहा हूं, जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होगी तो किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ होगी, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर उसकी, तो ये बॉडी है सपोज, उसकी वेलोसिटी नीचे की ओर होगी, तो अगर वेलोसिटी नीचे की ओर है तो एयर रेजिस्टेंस किधर होगा, उस वेलोसिटी के ऑपोजिट एक्ट करता है, तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर एक्ट करेगा 2, और जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है वो तो नीचे हमेशा एक्ट करता है 10, तो अभी नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 10 - 2, तो नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इस बार हो जाएगा, नीचे की ओर ही रहेगा लेकिन इस बार मैग्नीट्यूड उसका घट गया 10 - 2, यानी 8 m/s². साइन के साथ लिखेंगे तो इसको A2 में लिख रहा हूं, -8 m/s², क्योंकि हमने नीचे वाले डायरेक्शन को क्या माना हुआ है, नेगेटिव माना हुआ है, तो उस हिसाब से ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये इनिशियली जो है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था क्योंकि दोनों सेम दिशा में थे, और बाद में उसका मैग्नीट्यूड घट गया क्योंकि दोनों ऑपोजिट दिशा में, ठीक, लेकिन साइन नेगेटिव ही रहा। नेट एक्सेलरेशन जो है यहां भी नेट एक्सेलरेशन नीचे ही है और यहां भी नेट एक्सेलरेशन नीचे की ही दिशा में है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, वीटी का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो जब हम वीटी ग्राफ बनाएंगे ना, तो वीटी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ये मैं लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, तो इधर वी लिख रहा हूँ, इधर टी लिख रहा हूँ, ठीक है।
अब ये कैसा होगा, इनिशियली स्लोप ज्यादा नेगेटिव है और बाद में कम नेगेटिव है, तो ये ज्यादा नेगेटिव और बाद में कम नेगेटिव, थोड़ा फर्क समझ में आ रहा है, ये ज्यादा नेगेटिव वो कम नेगेटिव, समझ आ रही है आपको, ये कम नेगेटिव, चलो और एग्जैजरेट करके बना दिया मैंने, तो ना ये ऐसा कर दोगे तो जीरो हो जाएगा ना, तो ये कम नेगेटिव है, ये ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है, तो ये ज्यादा नेगेटिव ये कम नेगेटिव है ना, तो ये A1 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये A2 रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों डाउनवर्ड स्लोप है, दोनों डाउनवर्ड ही है, मतलब दोनों नेगेटिव है, लेकिन एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एक का मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां क्या था, यहां पे जो स्लोप है आगे वही लाइन कंटिन्यू हो गई है, स्ट्रेट लाइन आगे कंटिन्यू हो गई है, क्यों, क्योंकि जो थीटा यहां था वही थीटा यहां भी है, ठीक, लेकिन यहां पे वैसा मामला नहीं है। अच्छा, और अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात करें तो मैंने आपको बताया था क्या करना है उसके लिए, उसके लिए हमें डिस्टेंस यहां मिरर रख देना है, मिरर रखेंगे तो नीचे वाले का जो एक रेप्लिका है ऊपर तैयार हो जाएगा उसका रिफ्लेक्शन, तो वो मैं आपको दिखाता हूं, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं स्पीड टाइम, ठीक है, अच्छा इसकी हेडिंग नहीं दी मैंने, हेडिंग दे दो व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कंसिडर्ड, व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कंसिडर्ड, उस केस में क्या हो रहा है वही हम यहां पे देख रहे हैं। स्पीड टाइम के लिए ये वाला पार्ट तो उतना ही रहेगा, वैसा ही रहेगा, ये वैसे ही बनाता हूं मैं, और दूसरा वाला जो है वो इस तरह से होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैंने सेम बनाने की कोशिश की है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले वो ऐसा था, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, मतलब समझ रहे हैं बात को, बस उसको पलटा के ऊपर ले गए, पलटा के ऊपर ले गए, ठीक है, तो पहले स्लोप ज्यादा है बाद में स्लोप कम है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीड टाइम ग्राफ, तो लिखने को यहां भी VT ही लिख देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में वो बोल देते हैं, मतलब अगर वो स्पीड टाइम ग्राफ रहा तो क्वेश्चन में स्पीड टाइम लिखा रहेगा और यहाँ VT लिखा रहेगा, और अगर वो वेलोसिटी टाइम रहा तो क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम लिखा रहेगा और VT लिखा रहेगा, तो वेलोसिटी टाइम के लिए भी यही सिंबल यूज करते हैं और स्पीड टाइम के लिए भी यही सिंबल्स यूज करते हैं, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, रीड द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन दे जनरली मेंशन व्हिच टाइप ऑफ ग्राफ इज इट वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इज इट स्पीड टाइम ग्राफ, इट इज जनरली मेंशन इन द क्वेश्चन, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, जस्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड यू विल कम टू नो अबाउट इट, ओके, तो मुझे समझ में मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी बात, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाया है, ये तब की बात है जब एयर रेजिस्टेंस भी कंसिडर किया, और ये जो है यहाँ पे ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये तब की बात है जब एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं किया गया, ठीक है, तो ये स्पीड टाइम हो गया और ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है डिस्टेंस की यहां तक आपको बात समझ में आ गई, क्रिटिकल बातें है ना, कुछ और भी प्यारी प्यारी बातें हम करेंगे, पर पहले मैं चाहूंगा कि आप यहां तक कॉपी कर लें, ठीक है, तो बच्चों आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर मान लो कोई टावर है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि अगर इस टावर के ऊपर से किसी ने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विथ सम इनिशियल वेलोसिटी यू, और ये मान लो ऊपर गया और ऊपर जाके वो नीचे आके इस तरह से गिर गया है, ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि इसका ना इसका मैंने आपको बताया था, तीन ग्राफ्स बताए थे इसके लिए मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स बताए थे मैंने, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने कैसा बनाया था, तो इधर हमने लिया था डिस्प्लेसमेंट, इधर हमने लिया था टाइम, ठीक है, और इसको आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलिए या आप इसको पोजीशन टाइम ग्राफ बोलिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टिकल ओरिजिन से शुरू होता है तो उसका इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम का और पोजीशन टाइम का इक्वेशन सेम होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन तो उसके लिए एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है और एक्स भी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन अगर वो पार्टिकल ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा तो फिर उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स था एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल कर रही है बॉडी तो, और वाई के अलॉन्ग कर रही है तो वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो चलो मान लो मैं इसको भी एक्स टी ग्राफ बोल देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल ओरिजिन से, अगर इस पॉइंट पे ही हमने ओरिजिन चूज किया, हमने ओरिजिन कहाँ चूज किया, इसी पॉइंट को हमने ओरिजिन बोला हुआ है। ठीक है, तो उस केस में पी इक्वल टू जीरो पे एक्स इक्वल टू जीरो होगा, मतलब पी इक्वल जीरो पे एक्स इक्वल टू जीरो होगा, और फिर वो ग्राफ मैंने आपको इस तरह से ड्रॉ करके बताया था, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से मैंने आपको बताया था। डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि देखो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है हमको। तो इनिशियली कुछ ना कुछ स्लोप है उसका, मतलब इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जो हमको यहाँ दिख रही है, और फिर स्लोप घटता गया घटता गया, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब यहाँ पे ये वाली कंडीशन बता रहा है, वो वेलोसिटी जीरो हो गई यहाँ पे, मतलब यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ कुछ ना कुछ स्लोप था, और फिर वापस से स्लोप बढ़ने लगा, लेकिन नेगेटिव में बढ़ने लगा, मोर एंड मोर नेगेटिव, मोर एंड मोर नेगेटिव, मोर एंड मोर नेगेटिव। ठीक है, वो वापस से यहाँ पे वो थीटा ही हासिल कर लेगा, मतलब वो ये वाली पोजीशन है, पोजीशन सी, जहाँ पे वो वापस से यू स्पीड हासिल कर लेता है, और फिर उसके बाद वो स्पीड यू से और ज्यादा बढ़ने लगेगी, मोर एंड मोर नेगेटिव होने लगेगी स्पीड, यानी कि इसका स्लोप और फर्दर घटता जाएगा। और ये स्लोप इसलिए मैंने नीचे तक इसको शो किया है, ठीक है, कि वो वहां सिलसिला रुकेगा नहीं, सिलसिला और नीचे जाएगा। और इस एक्सिस को अगर एक्सटेंड कर दें हम, तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे जो है ना, ये पॉइंट्स तुम देखो, ये पॉइंट्स को प्लॉट करो इस तरफ, तो पोजीशन जो है वो अब नेगेटिव में जाने लगी है, क्योंकि ओरिजिन हमने यहाँ चूज किया था ना। तो अगर ओरिजिन वाले लेवल से अगर हम नीचे जाने लग गए, तो फिर हम समझो ओरिजिन से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन से नीचे आएंगे तो एक्स एक्स बोलो या वाई बोलो, चलो मैं वाई लिख देता हूँ, तो ओरिजिन से नीचे आएंगे तो फिर वाई क्या होने लगेगा, वाई नेगेटिव होने लगेगा, है ना, नेगेटिव होने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो ग्राफ फिर आगे एक्सटेंड हो गया था। तो ये था हमारा वाई टी ग्राफ। ठीक है, और वी टी और वो सब तो इजी था, वो वी टी ग्राफ हमने कैसे बनाया था, वी टी ग्राफ हमने इस तरह से बनाया था, ये वेलोसिटी टाइम, और ये थ्रू आउट जो है एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, इसलिए वो वहां से शुरू हुआ है। ठीक है, ऊपर से शुरू हुआ इसलिए वो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी। और ए टी ग्राफ भी हमने बनाया था, ए टी ग्राफ तो इस तरह था नेगेटिव एंड कांस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है, तो ये ए टी ग्राफ और वी टी ग्राफ का तो कोई टेंशन नहीं है, मेनली वाई टी ग्राफ इस तरह से मैंने प्लॉट किया था। ठीक है, तो आपको मुझे ये बात याद आ गई होगी, लेकिन ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में बोला है कि ओरिजिन ग्राउंड पे चूज करो, जैसे अभी तो कुछ नहीं बोला था तो हमने अपनी मर्जी से ओरिजिन टावर के ऊपर चूज कर लिया, लेकिन अगर उसने बोला ओरिजिन वहां नहीं चूज करो, ओरिजिन यहाँ चूज करो ग्राउंड पे, तब फिर इस ग्राफ में क्या बदलाव आएगा, क्रिटिकल बात है ना। समझ आ रही है? हाँ, तो आप देखते हैं डिस्टेंस कि उस केस में हम क्या कर पाएंगे। तो ये मैं फिलहाल रद्द कर देता हूँ। ओरिजिन चेंज करने से वीटी और एटी ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओरिजिन कहीं भी रखो तुम, वीटी का स्लोप थ्रू आउट नेगेटिव ही रहने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एटी ग्राफ को भी ओरिजिन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो है उस केस में अगर वाईटी ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया हमें, ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन ऑन ग्राउंड, अगर ओरिजिन ग्राउंड पे ले लिया, ठीक है, तब फिर क्या होगा, तब फिर ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ इस तरह से, ग्राफ इस इक्वेशन के हिसाब से बनेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ये इक्वेशन, मैं आपको बताता हूं। ओरिजिन अगर यहां चूज कर लिया मान लो मैंने, तो यहां मैं अब इसी डायग्राम को मैं मॉडिफाई कर देता हूं, तो अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो ओरिजिन यहां है, ठीक, तो अगर ओरिजिन यहां होगा, पार्टिकल इनिशियली यहां है, यानी पार्टिकल इज ऑलरेडी हैविंग सम वाई कोऑर्डिनेट ना, व्हाट इज दैट वाई कोऑर्डिनेट, मान लो इस वाली हाइट को मैं क्या बोल दे रहा हूं, इस हाइट को मैं वाई नॉट बोल रहा हूं, तो एट टी इक्वल टू जीरो इस पार्टिकल का, दिस पार्टिकल इज हैविंग सम इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट ना। ठीक है, यहां से वाई एक्सिस पास करवाओ और ये एक्स एक्सिस हो गई, तो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका कुछ नहीं है, जीरो है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ है, क्योंकि वाई के अलॉन्ग तो कुछ ना कुछ उसका पोजीशन है ना इनिशियली। हाँ जी, वही ये वाई नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जब टी जीरो पुट कर दोगे तो वाई इक्वल टू वाई नॉट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ किस आधार पे था, ये ग्राफ था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर वाला, ये ग्राफ इस इक्वेशन पे बेस्ड था, कि टी जीरो पे वाई जीरो, टी जीरो पे वाई जीरो। ठीक,
ओरिजिन से शुरू, पर अब जो हम ग्राफ बना रहे हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन मानते हुए, तो हम ये इक्वेशन फॉलो करेंगे और यहाँ टी जीरो पे वाई जीरो नहीं है, यानी ग्राफ विल नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, बाकी नेचर यही रहेगा, सिर्फ वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो मैं आपको बना के दिखा दूं, तो हम इस तरह से बनाएंगे, यहां मैं लिख रहा हूं y और यहां मैं लिख रहा हूं t, और देखो ओवरऑल नेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा। देखा आपने डिस्टेंस, वैसे ही नेचर है ना, सिर्फ क्या फर्क है यहां पे, क्या डिफरेंस है कि दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग y नॉट, मतलब t जीरो पे इट इज हैविंग अ y कोऑर्डिनेट y नॉट, इट्स पोजिशन इज y नॉट, तो y नॉट से शुरू हुआ, ठीक है, और फिर बाकी सब वही है। इस पॉइंट पर उसका जो स्लोप है इट इज हैविंग सम वैल्यू थीटा, तो मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी वहां है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, और फिर वापस से अगर तुम सेम लेवल पे आओगे तो फिर से उसने उतना ही स्पीड हासिल कर लिया, और फिर उसके बाद जो है वो, समझ आ रही है बात इसमें। अच्छा, ये ग्राफ कहां खत्म होगा, तो ग्राफ कहां दी एंड होगा ग्राफ का, तो देखो ये y नॉट से मामला शुरू हुआ, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट तक हम पहुंचे, ठीक है, तो ये देखो y नॉट से मामला शुरू हुआ, इनिशियली y नॉट पे है वो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे, घूम के वापस y नॉट, यानी दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग पॉइंट बी, ये पॉइंट बी बोल देता हूं मैं, ये पॉइंट ए है, ए बी सी और ये डी है, ठीक है, ए बी सी डी, तो ये दिस पॉइंट इज पॉइंट सी, वापस से उसने उतना ही कोऑर्डिनेट हासिल कर लिया y नॉट यहां पे, और ये ग्राफ कहां एंड होगा, हां जी ग्राफ एंड कहां होगा, ये नीचे नहीं जाएगा ग्राफ, ग्राफ यहां पे दी एंड हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट डी, क्यों, बिकॉज व्हेन द पार्टिकल रीचेस पॉइंट डी व्हाट हैपेंस टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, व्हाट विल हैपन टू द वाई कोऑर्डिनेट, सी वाई कोऑर्डिनेट विल बिकम जीरो ना, व्हेन दैट पार्टिकल रीचेस पॉइंट डी इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बिकम जीरो, व्हाई, बिकॉज इट हैज रीच्ड द ओरिजिन, द पार्टिकल हैज रीच्ड द ओरिजिन, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने तो एक्स एक्सिस यहां ली हुई है, तो वो वापस उस वाई जीरो पे पहुंच गया, समझ आ रही है बात आपको, तो इसीलिए वो वाई जीरो पे आके रुक जाएगा, इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग जो वाई है उस वाई की वैल्यू जीरो है, तो डी के करेस्पॉन्डिंग जो वाई है वो जीरो वाला वाई, समझ आ रही है बात, हाँ जी, तो यही बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि ग्राफ यहां पे एंड हो जाएगा, पर ये ग्राफ यहां एंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने ओरिजिन यहां चूज किया था इस ग्राफ के लिए, तो ओरिजिन यहां था, तो ये यहां से सी ए से यहां लिख देता हूं मैं, ये ए से शुरू हुआ, ए से बी तक मामला पहुंचा, बी से सी पे पहुंचा, सी पे देखो वो वापस ओरिजिन पे आ गया, सी पे आना मतलब वापस ओरिजिन पे आ जाना, क्योंकि हमने ओरिजिन वहां चूज किया, सी पे आना मतलब वापस ओरिजिन पे आ जाना, और सी के आगे बढ़ना मतलब ओरिजिन से नीचे जाने लगना, यानी नेगेटिव होने लगना डिस्प्लेसमेंट या पोजिशन नेगेटिव होने लगना, ठीक है, तो इसीलिए वो नीचे चला जाएगा, लेकिन बस ये समझो कि हमने क्या किया है, बेसिकली हमने क्या किया है, हमने इस टाइम एक्सिस को उठा के नीचे शिफ्ट कर दिया है, तो देखो ऑटोमेटिक ये ग्राफ बन जाएगा, इस एक्सिस को उठा के नीचे शिफ्ट कर लो, ये ग्राफ बन जाए, ठीक है, आपको समझ, या आप ऐसा करो कि ये जो ग्राफ है इस कर्व को ऐसा उठा के थोड़ा ऊपर खिसका दो, तो इसको ऊपर शिफ्ट करोगे ना ऑटोमेटिक ऐसा तैयार हो जाएगा मामला, ठीक है, एनीवेज तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी कैसे इस इक्वेशन के आधार पर ये ग्राफ बना और कैसे इस इक्वेशन के आधार पे ये ग्राफ बना है, ठीक है, बाकी वीटी और एटी ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप लिख भी सकते हैं नोट बोल के, वीटी एंड एटी ग्राफ विल रिमेन अनचेंज्ड इवन इफ द ओरिजिन इज चेंज्ड, बट पोजीशन टाइम ग्राफ विल हैव सम चेंज, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल हैव नो चेंज, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन, तो अगर ये एस टी ग्राफ होता है, एस टी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है, वो वैसे का वैसे ही रहता, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वैसे का वैसे ही रहता, लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ जो है ना उसमें बदलाव आ जाएगा, ठीक, क्योंकि ओरिजिन बदलने से पोजीशन बदल जाती है, पर ओरिजिन बदलने से डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलता, और ये मैं आपको एग्जांपल देके ऑलरेडी समझा चुका हूं कि सपोज इस तरह का मामला है और एक पार्टिकल जो है वो पहले ये एक्स इक्वल टू टू से ना एक्स इक्वल टू फोर पे चला गया यहां से यहां, ठीक, ओरिजिन यहां थी, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 मीटर होगा, क्योंकि वो 2 से 4 गया, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 मीटर, अब मैं ओरिजिन को उठा के यहां रख दूं तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 मीटर, तो ओरिजिन को अगर मैंने उठा के यहां भी शिफ्ट कर दिया फिर भी डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर ही रहेगा, लेकिन पोजीशन बदल जाएगी, इस पॉइंट की पहले पोजीशन क्या थी, 2 थी,
अब ओरिजिन मैंने उठा के यहां रख दिया, तो अब उसी पॉइंट की पोजीशन क्या हो गई, जीरो हो गई। समझ आ रही है बात? यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट चेंजेस, इन दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, पोजीशन बदलने, ओरिजिन बदलने से कोऑर्डिनेट्स बदल जाते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द डिफरेंस ऑफ द फाइनल एंड द इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। तो डिफरेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा, पोजीशंस माइट चेंज, पोजीशन चेंज हो जाती है, पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं, इसीलिए जो ग्राफ में बदलाव आ गया। तो बात समझ आई आपको? उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। आप समझ समझ के अच्छे से प्यार से इसको कॉपी डाउन कर लेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो मैं आपको ये बोलूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, तो आप ड्रॉ कर पाएंगे? बताएं कैसा बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कुछ। तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, वो ग्राफ ऐसा बनेगा। क्यों बना रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ओरिजिन आप कहीं भी ले लें, ओरिजिन नीचे लो, ओरिजिन ऊपर लो, कहीं भी ओरिजिन ले लो, टी इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि वो मूव ही होना शुरू नहीं हुआ, वो यहां रखा हुआ है वो बॉडी, इट हैज नॉट इवन स्टार्टेड मूविंग। टी इक्वल टू जीरो पे तो हम उसको फेंकने वाले हैं, तो जब कोई बॉडी मूव करना शुरू ही नहीं हुई है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो टी जीरो पे डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, और फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव दिशा में बढ़ता गया, बढ़ता गया, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट कम होता गया, फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट वापस से जीरो हो गया, मतलब जब पार्टिकल ए से बी, बी से वापस सी आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। तुम कहीं से भी देखो, चाहे तुम यहां खड़े होकर देखो, चाहे तुम ग्राउंड पे खड़े होकर देखो, एक बार पार्टिकल ए से सी आएगा तो ये बंदा भी बोलेगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये भी बोलेगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि वो वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गया जहां से चला था। इनिशियल फाइनल पॉइंट्स आर सेम, ए एंड सी। तो तुम कहीं से भी देख लो, मतलब ओरिजिन यहां चूज करके देख लो या ओरिजिन वहां चूज करके देख लो, नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, विच इज पॉइंट सी ओवर हियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या तो इस तरह की बात है, ठीक है। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये सारे ग्राफ्स मैंने बना दिए, ये भी आप चाहो तो कॉपी कर लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल के, ठीक है। फिर हम कुछ और एक दो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने सीखा, टावर के ऊपर से बॉल ऐसा फेंक रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं हॉट एयर बलून के लिए। तो कुछ बच्चों ने सवाल पूछा था, हॉट एयर बलून ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो एक हॉट एयर बलून असेंड कर रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, तो ये सपोज हमारा एक हॉट एयर बलून है और यहाँ एक बंदा खड़ा है ना, एंड दिस बलून इज असेंडिंग अपवर्ड्स विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, मान लो, ठीक है। तो सपोज ये 25 मीटर पर सेकेंड के कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर असेंड कर रहा है, और इस बंदे ने बॉल को रिलीज किया, तो उसके रेस्पेक्ट में तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड से जो बंदा देख रहा है उसको इस बॉल की वही वेलोसिटी दिखेगी जो पैराशूट की वेलोसिटी या जो बलून की वेलोसिटी है। द वेलोसिटी ऑफ बलून विल बी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो क्या होगा, ये बॉल इस तरह से 25 मीटर पर सेकंड के ही इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, और ये ऊपर जाके और ये फिर नीचे आके ऐसा गिर जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करें इस वाले केस से, तो ये और ये काफी सिमिलर है। यहां भी द बॉल इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस बॉल इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, एंड दैट्स व्हाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस बॉल हैज स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स, और फिर उसके बाद वो ऊपर जाके वापस नीचे गिरता है, और थ्रू आउट द मोशन द बॉल इज टोटली अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के हवाले है थ्रू आउट, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये और ये बिल्कुल सेम ही केस है। तो अब इसका भी ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे इसका हमने बनाया है। डिपेंड करता है कि ओरिजिन कहाँ चूज करने बोलते हैं वो, अगर ओरिजिन ग्राउंड पे चूज करने बोलते हैं तो ग्राफ ऐसा बनेगा पोजीशन टाइम वाली ग्राफ, और अगर वो ओरिजिन यहाँ चूज करने बोलता है तो फिर ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। और बाकी वीटी और एटी ग्राफ में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो पहले आपको मैं बता चुका हूँ। तो समझ आ गई बात? तो ये मत बोलना कि अरे सर ने तो टावर वाला बताया था, पैराशूट वाला बताई नहीं, बलून वाला तो बताया नहीं था। तो आपको बात समझ में आ गई कि बलून में भी वही करना है और टावर में भी वही करना है, इनके दोनों के ग्राफ सिमिलर ही होते हैं अगर बलून ऊपर असेंड कर रहा है तो। अगर डिसेंड कर रहा है तब रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, तब फिर मामला थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। वो कैसा होगा, ड्रॉप वाला केस मैंने आपको बताया, उसके आधार पर आप सोचिए डिस्टेंस, ठीक है। एनीवेज, तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ और सवाल है हम वो भी कवर करते हैं यहाँ पे। पहले आप चाहें तो ये कॉपी कर लें और यहाँ लिख लें कि द ग्राफ
फॉर दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस ग्राफ, ठीक है, ये आप मेंशन कर लें, द ग्राफ ऑफ हॉट एयर बलून इज सिमिलर टू टावर ग्राफ, ओके।